कुछ नहीं कह सकता। राम ही हमारे प्राण है, राम ही सनातन के प्राण है। हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो, पता है कितनी दिक्कत होगी। अगर भाई रविंदर छोटीवाला, हम अभी मौजूद हैं अयोध्या का। अभिनव कितनी वर्ष की उम्र है आपकी? 9 वर्ष। 9 वर्ष। प्राण प्रतिष्ठा क्या चीज होती है? जैसे हम चावल खाते हैं जी, तो हम बोलते हैं हम चावल खा रहे हैं जी, लेकिन हम जब उसका पूजा में उपयोग करते हैं जी, तब हम बोलते हैं हम अक्षत से पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जब हम बाजार जाते हैं, बाजार में भगवान जी की प्रतिमा देते हैं, मूर्ति देते हैं, वो होती है मान लो 2000 की जी, हम बोलते हैं भैया 1500 की लगा दो, ये 1000 की लगा दो, भैया जी मना कर देते हैं नहीं 2 की लगेगी। ऐसे ही तो मूर्ति होती है, तब हम कह सकते हैं कि ये 1 की लगा दो, 1.5 की लगा दो। आप कोई जब मंदिर में हम उनको स्थापित कर देते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके, तो कोई कहने का अधिकार रख सकता है? मैं आपको 15,000 रुपये दूंगा, आप मुझे दे दो, जितने भी बोल दे, कोई कहने का अधिकार रख सकता है? नहीं। ऐसे ही। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं जैसे कि मंदिर अभी अधूरा है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, उस पर नाराज है, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हमारा सौभाग्य है जी, जी। इतने गौरव का समय है, गर्व का समय है, तुम कैसे कह सकते हो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए? जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर अभी अधूरा है। मंदिर क्या अधूरा है, राम जी गड़कड़ में ही है, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अवश्य होनी चाहिए, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं होनी चाहिए? ऐसे कहने वाले कौन लोग हैं? जो भी कह रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि ऐसे बिल्कुल भी ना बोले जी। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल भी हो, बिल्कुल होनी चाहिए, और हम हिंदुओं के लिए, हम सनातनियों के लिए तो ये सबसे खुशी का पर्व है। 22 जनवरी का दिन ये नव दीपावली के नाम से जाना जाएगा, दीपावली के यानी कि दूसरी दीपावली के नाम से। अच्छा, हमारे साथ जो अभी महंत हैं या आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी विद्यालय जाता हूँ। अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं आप? डिजी पे पढ़ता हूँ। अच्छा, 9 साल की आपकी उम्र है। अच्छा, इतना ज्ञान आया कहाँ से आपका? बस पढ़ते हैं आप, या श्री राम की कृपा है? श्री राम की कृपा है। कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे राम मंदिर के बारे में अपने भजन? यही कहूँगा कि राम मंदिर इतना सुंदर लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, ये बहुत खुशी का समय, ये एक बहुत खुशी का पर्व है, यहाँ पर जरूर आए। जो कुछ राम विरोधी हैं, आना नहीं चाहते, कह रहे डेवलप नहीं हो रहा है अयोध्या में, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? उनको मैं कहना चाहूँगा कि तुम हमारे राम पर कह रहे हो, राम पर तुम कहोगे, हम तुम्हें पर कहेंगे, राम के ऊपर कोई भी कुछ नहीं कह सकता, राम ही हमारे प्राण है, राम ही सनातन के प्राण है। हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो, पता है कितनी दिक्कत होगी। अगर राम समझ आ जाए तो भाई राम राम तो कह दोगे, पर राम से दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा, मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जगाना है। अब अपने राम लला के खातिर इतना ना गड़बाओगे, छबड़ी के झूठे वेड़ खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे, काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, बुद्ध भी जिसकी इच्छाओं में बैठे वैसा पीपल बनना होगा, करना होगा यह सब कुछ और वो भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। देखिए हमारे साथ जो, क्या नाम है आपका? अभिनव जी जुड़े हैं, 9 साल की इनकी उम्र है और इनमें अपार ज्ञान है। जो सूरदास महंत हैं, जो हनुमानगढ़ी के हैं, उनकी टक्कर देने वाले ये दूसरे हमारे अभी पढ़ ही रहे हैं। कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं आप? दिल्ली में द्वारका में है। दिल्ली द्वारका में ये पढ़ते हैं, इनकी 9 साल की उम्र है और अभी ये दर्शन करने के लिए यहाँ राम मंदिर आए थे और इनसे हमने यहाँ मिला भेंट।